मैं नूर फातिमा, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। सिवान में फिर बेखौफ होकर सुबह सुबह अज्ञात अपराधियों ने सिवान के प्रसिद्ध मेदार मंदिर के प्रधान पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय को गोली मार घायल कर दिया। मामला सिवान के चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र का है। इस घटना के बाद बाकी पुजारियों में खौफ का माहौल कायम है। घायल पुजारी को स्थानीय PHC में इलाज के बाद सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। गोली मारने की वजह आपसी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है। बताया जाता है कि घायल प्रधान पुजारी चैनपुर ओपी क्षेत्र के रामगढ़ गांव के तारकेश्वर उपाध्याय, जो कई वर्षों से प्रसिद्ध मेहंदार मंदिर में प्रधान पुजारी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जब प्रधान पुजारी अपने घर से रामगढ़ से मंदिर पूजा करने आ रहे थे, तभी चिमनी के पास घात लगाए अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद चैनपुर थाना की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मामले का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल स्थानीय लोगों द्वारा उनको सबसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। अपराधियों द्वारा जो गोली मारी गई, उनकी फीट और चेहरे पर लगी हुई। हालांकि इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नहीं, पहले से सर, जैसे वहाँ का जो वहाँ काम विवाद जो है, ठीक ना, वो समझ ली कि कोई विवाद नहीं है, ठीक ना, आपस में कोई पुजारी ना पुजारी लोग में सर कोई विवाद नहीं है सर। अच्छा, इनको कौन बनाया था प्रधान पुजारी? एक्चुअली हम लोग सर विरासत में मंदिर के प्रधान हम लोग पुजारी ही हैं। अच्छा, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर के पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड में है कि नहीं मंदिर? क्या ये मंदिर तो सर धार्मिक न्यास परिषद है कि नहीं? धार्मिक न्यास परिषद में था, मगर कुछ जो समिति का जो उसकी वजह से विवाद चल रहा है वो न्यायालय में न्यास परिषद और पुजारी लोग का जो विवाद चल रहा है, ठीक ना, तो अभी सर न्यायालय में अभी जो मंदिर से जो आमदनी होता था किसके पास बात होता है? मैंने इसके पहले तो न्यास समिति देखती थी। न्यास समिति से सर हम लोग आय का विवरण हम नहीं लाए, उसके पास कोई उपलब्ध नहीं था। उसके बाद न्यास समिति बंद हो गया, ठीक ना, तो उसके बाद सर देख रेख मठाधीश और मंदिर के पुजारी हम लोग करते हैं। आय आय जो इन्हीं के नहीं, महंत पुजारी महंत पुजारी जी जी, जो बिहार सरकार ने धार्मिक न्यास बोर्ड बनाया है जी जी, उसके अंतर्गत आपका मंदिर आता है कि नहीं? आता था, आता था, आता था। हाँ, समझ रहे हैं, आता था। बसरते सर 10 सालों से न्यास में परिषद चल रहा था, तो हम लोग न्यास परिषद में मांग किए उसके आय 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 व्यय का विवरण, तो उन लोगों के पास कोई तथ्य उपलब्ध नहीं था। तो हम लोग सर कोर्ट में उस न्यास परिषद के विरुद्ध हम लोग कोर्ट में केस किए, तो अभी वो लंबित है, न्यास भंग हो गए। मैंने आपसे विवाद कोई नहीं, कोई विवाद नहीं। जा रहे थे तो रास्ते में महेंद्रानाथ और रामगढ़ के बीच रास्ते में एक चिमनी है, चिमनी के सामने ही घटना हुआ। कोई था सर? बाइक सवार 3 लोग थे, एक बाइक एक बाइक ही बाइक माँ किधर गया था? मेहदार मंदिर की तरफ चला गया। कौन गोली लगी है सर? कितना गोली लगा है? तीन गोली चला है, उसमें 2 गोली लगा है। अच्छा, एक बाएं साइड कमर पे लगा है और एक गाल पे लगा। अच्छा, ये आप कौन हैं? इनके इनके भाई हैं। अच्छा, भाई है। जी जी। अच्छा, कोई विवाद था पौधे से? कोई विवाद? कोई विवाद नहीं है सर। इसके पौधे भी वहाँ मैदान मंदिर की पूजा की? नहीं सर, आज से सर दो महीने पहले सर, जैसे जानते थे सिसोर गंगा जी रविवार को स्नान करने के लिए, तो वहाँ पे भी नोनिया हाई स्कूल प्रसाद उनके पास वार हुआ था, तो सर उसका FIR हुआ था और उसमें कोई क्षति नहीं हुआ। इनका गाड़ी आगे एक अभिषेक पांडे हैं जो और एक नीतीश कुमार साहब आज से 2 महीने पहले घटना हुआ था, कोई क्षति नहीं हुआ था।